बहुत ही गंभीर मुद्दे हैं और बहुत अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि इसमें अगर कोई पिस रहा है तो यूथ पिस रहा है। हमेशा आप सरकार के शोल्डर्स पे नहीं खेल सकते हैं, आप पर्सनल क्या अचीव किए हैं, हट के आपने झारखंड को क्या दिया, जनता ये देखना चाहता है। नमस्कार, एसडी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ गौरी रानी। 2019 में हेमंत सरकार को समर्थन देने वाले एनसीपी विधायक कमलेश सिंह अब समर्थन वापस ले रहे हैं, वजह झारखंड में बालू की लूट, भ्रष्टाचार। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए एनसीपी विधायक कमलेश सिंह के बेटे और पार्टी के प्रवक्ता सूर्या सिंह हैं, उनसे जानते हैं। सर, जैसा कि खबरें आ रही है कि एनसीपी जो है वो अब हेमंत सरकार से समर्थन वापस ले रहा है, इसमें कितनी सच्चाई? बिल्कुल, हमने 31 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम दिया है और वो भी कुछ डेवलपमेंटल इश्यूज पे है, और मुझे जहाँ तक अभी तक ये ट्रैक रिकॉर्ड दिखा है गवर्नमेंट का 4 साल का, मुझे लग भी नहीं रहा है कि 31 अक्टूबर तक वो लोग अपने प्रॉमिसेस को फुलफ़िल करेंगे। तो 31 अक्टूबर लास्ट डेट रहेगा जब हम लोग ऑफिशियली एक समर्थन दे रहे हैं झारखंड में, आई एम टॉकिंग अबाउट झारखंड, और उसके बाद नवंबर में एक आंदोलन होगा रांची में। बालू की लूट की बात कर रहे थे आप, भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, करप्शन की बात कर रहे थे, अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे थे, कैसे देख रहे हैं झारखंड में ये, क्योंकि ये काफ़ी गंभीर मुद्दे हैं और इसी मुद्दे को लेकर के हेमंत सरकार जो है वो सत्ता में भी आई। ये बहुत ही गंभीर मुद्दे हैं और बहुत अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि इसमें अगर कोई पिस रहा है तो यूथ पिस रहा है यहाँ पर, या गरीब लोग पिस रहे हैं। तो हम लोगों को पॉलिटिक्स हमेशा इंक्लूसिव डेवलपमेंटल माइंडसेट से करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक तरह से मैं देख रहा हूँ कि झारखंड को टुकड़ों में बांट दिया गया है। कहीं बालू का इशू हो रहा है, कहीं जिला का इशू हो रहा है, कहीं पोस्टिंग्स का इशू हो रहा है, तो मिला जुला करके जहाँ से भी रिपोर्ट आ रहा है ये बहुत अनसेटिस्फैक्ट्री है। तो हम भी चाहते हैं, झारखंड एक नया स्टेट है, बहुत दिन नहीं हुआ इसको फॉर्म हुए हुए, जो भी पॉलिटिशियंस आए, चाहे जो भी चीफ मिनिस्टर आए, अब ऑनेस्टली अगर अपना काम करेंगे तो यहाँ का डेवलपमेंट हम लोग और ज़्यादा कर सकते हैं, जो अभी बहुत पीछे है। आप लोग 2019 में आपकी पार्टी ने हेमंत सरकार को समर्थन दिया, आज वापस समर्थन ले लिए, इसकी बड़ी वजह क्या है? सिर्फ हुसैनाबाद है या पूरे झारखंड? जैसे आपको भी अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो ये बालू का मुद्दा पूरे झारखंड का है, हर एक गरीब ये चैलेंजेस फेस कर रहा, और आपको खुद एज अ जर्नलिस्ट आपको पता है कि ये कितना मतलब हाईलाइटेड इश्यू है, और अनएम्प्लॉयमेंट भी पूरा झारखंड फेस कर रहा है, आप देख रहे हैं ना, बस नियुक्ति आ रही है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। हेमंत सोरेन तो बोल रहे हैं कि वो हर दिन नियुक्ति दे रहे हैं, इसको आप कैसे ले रहे हैं उनके इस बयान को? वो मुझे वो आई वॉश मुझे लगता है, क्योंकि वो सब तो सरकारी, आप एक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रहा है, कोई बड़ा प्लांट क्यों नहीं आ रहा है, कोई चाहे आप टूरिज्म में कोई बड़ा 5 स्टार झारखंड में आज तक क्यों नहीं आ रहा है, इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, क्यों नहीं आ रहा है? तो आप यही देखिए ना, हमेशा आप सरकार के शोल्डर्स पे नहीं खेल सकते हैं, आप पर्सनल क्या अचीव किए हैं, हट के आपने झारखंड को क्या दिया, जनता ये देखना चाहता है। सर, आखिरी सवाल लेंगे जाते जाते, जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई झारखंड में हो रही है अवैध खनन को लेकर, और यही अवैध खनन को लेकर आप लोगों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है बालू की लूट को लेकर के, हेमंत सोरेन ईडी के बुलावे पर नहीं पहुँच रहे, वो कहते हैं वो आदिवासी हैं इसलिए उन्हें इस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है, आप कैसे देख रहे हैं उनके इस बयान को और ईडी की कार्रवाई को? नहीं, मेरे ख्याल से हर किसी को, चाहे कोई भी हो, उनको लॉ से कॉपरेट करना चाहिए, हम लोगों ने भी किया था, ये जो चीज़ें हैं ये हम लोग फेस कर चुके हैं, और हमने कभी भी इसमें अपना ये कास्ट मिक्स नहीं किया था कि हम राजपूत हैं तो हमारे ऊपर किए जा रही है, अगर बोलने को हो तो हम तो ये भी बोल सकते हैं आज झारखंड में राजपूतों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, एक भी राजपूत मंत्री नहीं है, कब तक आप बांटिएगा ऐसे, ये कास्ट के नाम पे आप सिंपैथी मत लीजिए, आप हाँ कोर्ट के नाम पे लीजिए, आपको अगर अपने न्याय पे भरोसा है तो प्लीज़ अप्रोच, और वो अप्रोच कर ही रहे हैं कभी हाई कोर्ट कभी सुप्रीम कोर्ट, आई थिंक सो ही शुड अबाइड बाय द समन्स। थैंक यू। तो हमारे साथ इस वक्त बात कर रहे थे एनसीपी के प्रवक्ता सूर्या सिंह, जिन्होंने साफ तौर पे यह गंभीर आरोप हेमंत सरकार पर लगाए हैं कि हेमंत सरकार जो है वो भ्रष्टाचार कर रही है और रोजगार के नाम पर सिर्फ झारखंड को ठगने का काम किया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, तमाम और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें एसडी न्यूज। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम, हम सिर्फ घर नहीं खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज, पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे नंबरों पर संपर्क।